हेलो हाय एंड नमस्कार सभी को। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे मेरी तरह। दोस्तों मेरी तरह ये ऐप्स वगैरह कैसे लेके आएंगे पूरा आपको यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो यहाँ पे पूरा देखते रहिए, कैसे मैंने किया कैसे नहीं। आप भी अपने सैमसंग डिवाइस का जो आपके लॉक स्क्रीन है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कैसे मैंने किया, तो अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की वीडियो जो अपलोड होती रहती हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ टैक चैनल। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा मैं आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों आपको सबसे पहले नाइस लॉक फॉर गुड लॉक ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप इसे प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे नाइस लॉक लिखना है आपने, जैसे कि नाइस लॉक लिख दिया। फिर आपको इस तरह का ये आपने इसे जो है डाउनलोड कर लेना है, फिर इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जो है सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यहाँ से कर लेना है। अगर आप सभी का फ़ायदा लेना चाहते हैं सभी एप्लीकेशन का, तो मैं यहाँ पे आपको लॉक स्टार के बारे में ही बताऊँगा। तो मैं लॉक स्टार की एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं लॉक स्टार पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने कस्टमाइज़ किया, वैसे आपने कैसे करना है कस्टमाइज़, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्लस वाला यहाँ पे आइकन यहाँ पर क्लिक करना है। कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी वॉचेज़ मिलेंगी। आप अपने हिसाब से वॉचेज़ जो है सेट कर सकते हैं, कहीं भी कैसे भी यहाँ पे फिट कर सकते हैं, जो आपको वॉच पसंद आती है। ठीक है, तो मान लो मुझे ये वाली वॉच सेम ही है, एक मिनट, चलो मैंने ये वाली वॉच यहाँ पे सेट कर दी। फिर उसके बाद क्या करना है, यानी जो प्लस वाला आइकन आ रहा है यहाँ पे नीचे, प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी ऐप शॉर्टकट्स यहाँ से ओपन हो जाएंगी। तो आपने यहाँ से अपनी जो फेवरेट ऐप्स हैं उन्हें यहाँ से ऐड कर लेना है, जिन्हें आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे फिट करें। तो आपने उसे फेवरेट यहाँ से ऐड करना है, फिर उसे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह का आ जाएगा, आप नीचे भी रख सकते हैं या फिर आप ऊपर को भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी। आप इस तरफ भी रख सकते हैं, आप इस तरफ स्लाइड करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, या फिर नीचे भी आ जाएगा। जहाँ भी आप इसे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने वाले आपने इस पर क्लिक करना है और इसे अप्लाई कर देना है। यहाँ से अप्लाई करने के बाद आपने बैक आ जाना है, फिर आप अपना फ़ोन लॉक कीजिए। फिर आप यहाँ पे खोलेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे ऐप्स जो मैंने ऐड की यहाँ पे आ गई। तो दोस्तों इस तरह जो है आप अपने किसी भी सैमसंग डिवाइस में जो है इस तरह अपने नोटिफिकेशन एक्चुअली अपने लॉक स्क्रीन को जो है और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपका फ़ोन कोई भी देखेगा तो वो बोलेगा यार भाई ये आपने कैसे किया, प्लीज़ मुझे भी बताइए। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, इसका मज़ा ले सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। दोस्तों ये था आज का वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।